और इस बीच गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर पथराव हुआ है। चलती ट्रेन पर युवक ने पत्थर फेंका है। ट्रेन की कोच में खिड़की का कांच टूट गया है। बता दें आपको कि पत्थर फेंकने वाले आरोपी की तलाश अब जारी है। टाटा से गया होते हुए पटना जा रही थी ये ट्रेन और गया के बधुआ टनकुपा के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर पथराव किया गया। चलती ट्रेन पर युवक ने पत्थर फेंका और ट्रेन की कोच में खिड़की का कांच भी टूट गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पत्थर फेंकने वाले आरोपी की तलाश अब जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गया से एलेन लेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है एलेन, क्योंकि वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर यह पथराव हुआ है? जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, क्योंकि आज दिन देखने को मिल रहा है कि वंदे भारत ट्रेन पर जो है लोग जो है इस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो गया भी जो धनबाद रेल मंडल अंतर्गत जो है वो गया के बंधुआ और टनकुपा स्टेशन के बीच जो है कुछ अज्ञात जो असामयिक तत्व जो है वो चलती ट्रेन पर जो है वो पत्थरबाजी कर दिया है। हालांकि यह ट्रेन जो है वो ट्रायल ट्रेन के तौर पर चलाई जा रही थी। फिलहाल जो है रेल पुलिस जो है वो आरोपी की पहचान में जुट गई है और रेल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को सीसीटीवी के माध्यम से उसकी पहचान कर ली जाएगी और उसकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। फिलहाल जी एलन, क्या क्या नुकसान हुआ है, कोई जानकारी? देखिए, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। चलती ट्रेन पर जो है जो एक जो इंजन के जो चीफ जो पहला जो बोगी होता है उसमें जो खिड़की होती है उसके जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। कांच का जो शीशा होता है उसे क्षतिग्रस्त किया गया। हालांकि इसमें किसी प्रकार की कोई यात्री ठीक है। आप नजर बना रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल।